देखिए आप एक बार फिर आपका स्वागत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुरू के सादुलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर उप निदेशक महावीर सिंह पूलिया की अध्यक्षता में हुई संगोष्ठी की मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष ऋतु शर्मा और संगठन महामंत्री विभा शर्मा रहे। चुरू के सुजानगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने गांव गोपालपुरा में जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। यह मेघवाल ने कहा कि भारतीय सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने चार साल में गरीबों के हितों की सारी योजनाएं बंद कर दी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 145 करोड़ की आय और 130.88 करोड़ व्यय का वार्षिक बजट पारित किया गया। अब इसके बाद 14 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत होगी। नगरपालिका सभागार में यूनियन मंत्री श्रीधर कपलानी के मुख्य आतिथ्य एवं पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल पंचोली की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। जोधपुर के बाप में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य विनोद कुमार बिश्नोई ने यह जानकारी। जोधपुर के बाप में विद्युत विभाग के जांबा टीम द्वारा बकायेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी कार्रवाई में सुरपुरा क्षेत्र के गाँवों में 20 कनेक्शन काटे गए। जोधपुर के फलौदी में राजकीय चिकित्सालय में 10 दिवसीय नया सवेरा नशा मुक्ति शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रभारी डॉक्टर रविंद्र परमार और नर्सिंग अधीक्षक एसपी चांडा ने बताया कि शिविर में दवाई भोजन मनोरंजन की व्यवस्था रही। जोधपुर के फलौदी में निजी विद्यालय के प्रांगण में 4 मार्च का आयोजित होने वाले सही ध्यान योग शिविर के आयोजन को लेकर बीएसएफ आईजी अनिल पालीवाल ने शिविर स्थल का निरीक्षण किया। जोधपुर के फलौदी में भियासर सरपंच हरलाल राम के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। सरपंच पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप है। सरपंच ने राजूराम बिश्नोई जसला और श्यामलाल बिश्नोई निवासी भियासर के साथ गाड़ी में डालकर सुनसान जगह पर दुष्कर्म किया। मामले की जांच ओसिया डिप्टी सरदार चारण कर रहे हैं। राजसमंद के आमेर थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक चंदन सिंह की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम कालूराम खौर थानाधिकारी महेश मीणा सहित सीआईजी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी होली धुलंडी आदि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। बारा के छबड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मोर्चे में रखवाया। यह हादसा छबड़ा धरनावदा मार्ग पर हनुमंत खेड़ा के पास। अलवर के मुंडावर में सोडावास कस्बे में बिजली के बिल समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि 4 महीने तक बिल नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद भी बिजली विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चुरू के रतनगढ़ में देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा ने रेलगाड़ियों के विस्तार से मांग की है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन नई दिल्ली को पत्र लिखा और बांद्रा जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस को रतनगढ़ तक विस्तार की मांग। बीकानेर हरिद्वार साप्ताहिक ट्रेन को नियमित करने की मांग रखी गई है। इस ट्रेन को 6 वर्षों से लगातार नियमित करने की मांग की जा रही है। अलवर के रामगढ़ में अज्ञात कारणों से विषाक्त पदार्थ पीने से एक अधेड़ अचेत हो गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद रामगढ़ सीएचसी रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के पहाड़ी में क्रेशर जोन में एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लिया। मृतक के शव को पहाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। फिलहाल मौत का कारण ट्रक की टक्कर से होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुरू के बिदासर में दलित नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को रात को जीतासर और राउंड अप किया है। ये आरोपी कस्बे के वार्ड 23 निवासी रेवनदास कामड़ और मुकेश मेघवाल है। चौक के देवली में सिरोही अंडरपास पुलिया पर पुलिस को एक युवक का शव मिला, जिस पर हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मृतक की शिनाख्त उसके जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार संजय निवासी वर्धा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। अजमेर के भिनाई में पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में 8 से 12 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने को लेकर ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। यह निर्धारित प्रारूप में अपील करने वाले के नियमानुसार नाम जोड़े जाएंगे। जालौर के भीनमाल कस्बे में नगर पालिका की ओर से लगाई गई हाई मास्क लाइटें दिन में चालू रहती है। यहाँ बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए नगर पालिका प्रशासन उदासीन नजर आ रहा है। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे में आबकारी दुकान संचालकों की ओर से आबकारी नियमों की अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार शराब की दुकानें देर रात तक खुली रखकर शराब की बिक्री की जा रही है। वही प्रिंट रेट से ज्यादा राशि में शराब बेची जा रही है। लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारी ये सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। जालौर के आहोर में बेमौसम अत्यधिक बारिश होने से वर्ष 2016-17 में मूंग की फसल खराबे का बीमा कंपनी से चूंडा और महेशपुरा गांव के किसानों को बीमा राशि भुगतान करने की मांग को लेकर राशि दिलवाने की मांग की।
जालौर के साला में पंचायती राज के अधीन विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाए गए पंचायत सहायकों को 5 महीने से मानदेय का इंतजार। विभाग के अनुसार पंचायत सहायकों को मानदेय ग्राम पंचायत की ओर से देने का प्रावधान है। वही वेतन को लेकर पंचायत सहायकों को कभी पंचायत राज विभाग तो कभी शिक्षा विभाग को अपनी पीड़ा सुनानी पड़ रही है। जालौर के सांचौर में एसडीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा झूठे मुकदमे और शिकायत की सही जांच करवाने की मांग को लेकर कानून दोस्त संघ, पटवार संघ और मंत्रालय संघ ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एसडीएम ने अपने कार्यालय के बाहर एक पट्टी लगा रखी है जिस पर लिखा है कोई भी परिवादी जिसे किसी भी प्रकार की समस्या हो उनसे किसी भी समय सीधे आकर मिल सकते हैं। पाली के देसुरी में उपकरण अधिकारी को जनजातीय आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले विशेष पैकेज की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। पाली के देसुरी में सादड़ी के लताड़ा ग्राम में शराब पीकर उत्पात मचाने और शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में वजीरपुर और 3 थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में भाजुमो की बैठक कृषक विश्राम गृह में हुई जिसमें जिलाध्यक्ष सुशील जोशी और जिला प्रभारी रवि बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील करते हुए पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में बताया। हनुमानगढ़ के संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चक 8 एमजेडी स्थान पर खेत में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। साथ ही सरसों की नई किस्म की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए कतार से कतार की दूरी 2 फीट रखने की सलाह दी गई। हनुमानगढ़ के नौवा क्षेत्र और इसके आसपास के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल से CSD कैंटीन सुविधा के लिए मोबाइल CSD उपलब्ध रहेगा। ये सुविधा 3 मार्च तक उपलब्ध होगी। हनुमानगढ़ के बांद्रा में पुलिस ने गत दिनों गुमशुदा एक महिला को मोबाइल लोकेशन के आधार पर लुधियाना में ढूंढ निकाला है। पुलिस ने उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि गत 31 जनवरी को गांव घोटड़ा पड़ा के रहने वाले परिवादी ने बताया कि 30 जनवरी को उसकी 25 वर्षीय पत्नी परिवार के साथ सावा के रामदेव मंदिर में धूप लगाने गई थी। सिरोही के पिंडवाड़ा में रोहड़ा थाना क्षेत्र के रोहड़ा नदी के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए रोहड़ा अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को अवरोध ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। यहां ट्रॉमा में उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। नागौर के मेरठ सचिव में कार और बाइक पर टक्कर हो गई जिसमें बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए, घायल को अजमेर रेफर किया गया। वह घटना RTO ऑफिस के पास की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किचन गार्डन ने विद्यालय की तस्वीर बदल दी है। भगवानपुरा विद्यालय में किचन गार्डन जिले का पहला गार्डन बन गया। किचन गार्डन की सब्सिडी का मिड डे मील में उपयोग हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय शाहपुरा ब्लॉक के भगवानपुरा का। करौली के मंडराल में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में SDM से पेयजल समस्या को खत्म करने की मांग की गई। दौसा के सिकराय में राडोली गांव एक दिवसीय सेमी शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। जिला परिषद सदस्य हीरालाल सैनी ने फीता काट के उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक टीमों ने भाग लिया। चौके देवली में चोरों ने धुआला में 5 मंदिरों पर धावा बोलकर चांदी के छत्र, नकदी और दान पेटी चुरा ली। देवली के हनुमानगढ़ क्षेत्र के धुआला गांव में चोरों ने एक साथ 5 मंदिरों को निशाना बनाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर के गलिया कोर्ट में चित्रे में भाजपा चित्री मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की मजबूती देने के लिए पंचायत प्रमुखों और 15 प्रमुखों की बैठक में 15 प्रमुखों की सूचना ली गई। नागौर के मेरठ सचिव में भाजपा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के संगठन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, सांसद हरिओम सिंह राठौर, प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूत सहित पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मौजूद हुए।
बूंदी के केशवराय पाटन में ताश के पत्तों से जुआ खेलते चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 1170 रुपए जब्त किए हैं। आप पुलिस चारों से पूछताछ की जुट गई है। भारत के अंता में होली एवं धुलंडी के त्यौहार को लेकर अंता थाना परिसर में सीआईजी की बैठक को जिला कलेक्टर मनोज कुमार मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विशेष अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक गोविंद सिंह, अंता थाना अधिकारी अमर सिंह राठौर मौजूद है। जोधपुर के फरौदी गांव के टाके में 2 महीने से लापता युवक का गुमशुदा युवक का शव मिला है। युवक गणपत राम 2 महीने पूर्व परिजनों द्वारा दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना फरौदी के मानबेड़ा गांव की है। पाली के सोजत में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से आमजन परेशान हो रहे हैं। इन दिनों परीक्षाओं का दौर भी जारी है। यहां नागरिकों ने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की मांग की। भारत के अंत में प्रेस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद आजम शपथ दिलाएंगे। समारोह में वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के चेयरमैन प्रेम नारायण गालव भी भाग लेंगे। भारत के अंत में आगामी त्योहारों को लेकर उपकरण अधिकारी मनोज कुमार मीणा की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कस्बे के ज्वलंत मामलों को उठाया गया, जिनका समाधान करने के लिए अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया। हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के गांव जसाना के जल सेवा केंद्र में 17 अक्टूबर धनतेरस के दिन ई मित्र चलाने वाले पवन व्यास की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। उसी दिन से लेकर आज तक पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस हत्यारे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। हनुमानगढ़ के संगरिया में विधायक कृष्ण कड़वा ने खिनालिया नहर में पानी की आपूर्ति पूरी करने के संबंध में विधानसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र संगरिया की खिनालिया नहर, जिसमें सिंचाई पानी की आपूर्ति तय सीमा से कम की जा रही है, कई सालों से किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में पत्रकार संघ ने पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण को ज्ञापन देकर रिजर्व प्राइस पर आवासीय भूखंड आवंटित करने की मांग। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में पालिका प्रशासन से भूखंड आवंटन की मांग की गई थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ के बाजरा में इंजीनियरिंग का छात्र तौफीक खान 4 माह से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। स्थिति यह है कि बेटे के गम में 2 माह बाद ही पिता नियामत अली की मौत हो गई। अब तौफीक के मां का बुरा हाल है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में बड़ोपल और मानकथेड़ी बारानी क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा खातेदारी सनद जारी किए जाने की मांग आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि विगत 53 दिनों से एसडीएम कार्यालय के समक्ष श्रमिक अनशन पर बैठे काश्तकार सोमवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। अलवर के गोविंदगढ़ में रेलवे स्टेशन पर गंदगी का आलम है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यह रेलवे स्टेशन पर डस्टबिन नहीं लगाए गए हैं, जिससे स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जालौर के सांचौर में राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर ग्राम पंचायतों पर उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा तो मुहैया करा दी, लेकिन केंद्र भी औपचारिक बनकर ही रह गए हैं। बीते 1 साल से क्षेत्र के 57 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से एक पर भी डिलीवरी के लिए प्रस्तुता नहीं आई। जालौर के जसनपुरा में ब्लॉक की ग्राम सेवा सहकारी समितियां कम मिनी बैंक अभी डिजिटल नहीं हो पाई है। मिनी बैंक समितियों का ना तो कंप्यूटराइजेशन हो पाया है, ना ही संसाधन मिल पाए हैं। डिजिटल होने के दावे की धरातल पर पोल खुल गई है। जालौर के साला में उपकरण क्षेत्र के वालेरा गांव में जलदा विभाग के उच्च जलाशय में युवक की हत्या के बाद लाश डालने का मामला सामने आया। मामले के सामने आने के बाद भी जीएलआर की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए। जालौर के आहोर में कस्बे में होली के दूसरे दिन खेली जाने वाली पत्थरमार गैर अतीत बन गई है, लेकिन भाटा गैर के स्मरण से ही कस्बे वासियों में उमंग की लहर दौड़ पड़ती है। देशभर में प्रसिद्ध भाटा गैर में सन 2003 में एक युवक की मौत के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। जालौर के भीनमाल में बागोड़ा उपकर मुख्यालय के प्राइवेट बस स्टैंड में ग्राम पंचायत की ओर से निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। करौली के हिंडौन सिटी में अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी हुई जीप पलट गई। हादसा सामने जा रही गाय को बचाने के चक्कर में हुआ। हादसे में घायल लोगों को निजी साधनों से 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना हिंडौन सिटी के हरिनगर के पास की है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।